हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को, जीओसी वन को, रिएक्शन मैकेनिज्म वन को, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसका एक और नाम है सिग्मा पाई रेजोनेंस। अभी पता चलेगा बेटा ऐसे नाम क्यों है, सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है यहाँ से, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। इतने सबस्टेट के अंदर, इतने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऑब्जर्व होता है, कैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन, बाकी किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होता। ये ध्यान रखिए बेटा, बाकी किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। कैसे काम करता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों कहते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन का। मेरे पास है कोई कार्बोकैटायन CH2 CH3 plus CH2 plus CH3, ये कार्बोकेटायन है बेटा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है CH2 और उसके बाजू में है CH3, ऐसे दिस वन CH2 plus and CH3, ये इसकी बॉन्डिंग है बेटा। अब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे वर्क करता है बेटा, ये जो कार्बोकैटायन है उसके बाजू वाले कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं बेटा, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन एटम, उस अल्फा कार्बन के एटम के ऊपर हाइड्रोजन होने चाहिए और वो हाइड्रोजन रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं बेटा कुछ इस तरह। ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बेटा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, बिकॉज ये क्या है बेटा, गरीब है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो उसकी गरीबी दूर करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। और ये कुछ एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, कैसा होगा बेटा ड्रॉ करिए, देखिए डबल बॉन्ड CH कुछ मिसिंग है, यस सर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, यस सर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, बिकॉज हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। अब बेटा जैसे जैसे ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, वैसे ये वाले हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये वाले हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इसीलिए बेटा इस कंपाउंड के, इस मॉलिक्यूल के आपको तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा, तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे जहाँ हाइड्रोजन अलग अलग होंगे। देख लो, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ये नीचे वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा, तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे बेटा। कितने? तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए तो क्या बनेगा, तो ये दोनों H रहेंगे और ये हाइड्रोजन H प्लस ऐसे रहेगा। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड रहता नहीं है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और यहाँ पर बेटा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस बोला जाता है। बोलो बेटा समझ में आया क्या? ये था बेटा इस इथाइल कैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन टू शो, इंपॉर्टेंट कंडीशन टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इज टू हैव एटलीस्ट
वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट एक होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा, अल्फा कार्बन एटम समझो पहले, अल्फा कार्बन एटम समझो, अल्फा कार्बन एटम क्या होते हैं, कार्बोकैटायन के बाजू वाला sp3 कार्बन, कार्बोकैटायन के बाजू वाला sp3 कार्बन, फ्री रेडिकल के बाजू वाला sp3 कार्बन और एल्कीन के बाजू वाला sp3 कार्बन, इनको अल्फा कार्बन कहा जाता है। कार्बोकैटायन के बाजू वाला sp3 कार्बन, फ्री रेडिकल के बाजू वाला sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू वाला sp3 कार्बन, इन कार्बन को sp3 कार्बन बोला जाता है। और अल्फा हाइड्रोजन एटम किसे कहते हैं, विच आर अटैच्ड टू, अटैच्ड टू, विच आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एटम, जो अल्फा कार्बन एटम से अटैच्ड है उसे अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। क्या बेटा समझ में आया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, ये देखिए कार्बोकैटायन है, उसके बाजू में sp3 कार्बन है, हाँ उस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बेटा, तीन हाइड्रोजन है, इसीलिए इसके पास 3 अल्फा H है, इसके पास कितने अल्फा एच है बेटा, 3 अल्फा H है, और जितने अल्फा एच होते हैं, जितने अल्फा एच होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेटा उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो अब हम सीखेंगे बेटा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्कीन में, फ्री रेडिकल में और कार्बोकैटायन, तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बेटा, तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो तीनों मोइटी में हम चेक करेंगे बेटा। सबसे पहला ये कार्बोकैटायन, फिर ये फ्री रेडिकल, फिर ये एल्कीन, फिर ये एल्कीन, फिर ये कार्बोकैटायन, फिर ये फ्री रेडिकल, ये एल्कीन, फिर ये एक फ्री रेडिकल, फिर ये कार्बोकैटायन। इन सब में बेटा आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने हैं बेटा, इन सब में आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करने हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये कार्बोकैटायन है, उसके बाजू वाला कार्बन sp3 कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, तो ये रहा बेटा अल्फा, ये रहा अल्फा, अब उस अल्फा पे हाइड्रोजन कितने बेटा, दो हाइड्रोजन है, एक दो, और इस पर भी दो हाइड्रोजन, तो टोटल इसके अल्फा एच कितने हो गए बेटा, 4 अल्फा H, कितने अल्फा एच हो गए बेटा, 4 अल्फा H। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का नेबरिंग sp3 कार्बन, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा, इस वाले अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, इस वाले अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इस वाले अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा H, कितने अल्फा एच होंगे बेटा, 7 अल्फा H। यहाँ आ जाओ, इस वाले ये क्या है, एल्कीन है बेटा, एल्कीन के नेबरिंग sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो एल्कीन का नेबरिंग ये है, एल्कीन का नेबरिंग ये भी है, और ये भी एल्कीन है, उसका नेबरिंग ये है, इसके 3 3 अल्फा मिलेंगे बेटा, इन तीनों अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है वो चेक कर लो, यहाँ 3 यहाँ 2 और यहाँ 2, 3 + 4 7, अगेन 7 अल्फा H, कितने हो जाएंगे बेटा, 7 अल्फा H, तो इसके आपको 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके बताओ बेटा ये एल्कीन का नेबर, ये अल्फा, ये अल्फा, ये एल्कीन का नेबर, ये अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर कितने H, 2 3
और तीन, तो 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा एच, कितने अल्फा एच हो जाएंगे बेटा, 8 अल्फा एच। यहाँ आ जाओ, ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का नेबर ये अल्फा, इसका नेबर ये अल्फा, इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन, इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। तो ठीक है बेटा, तो 2 + 1 3 अल्फा एच होंगे बेटा इसके। ठीक है, कमेंट करिए बेटा अपने आंसर, कमेंट करिए। आप लोग कुछ कमेंट वमेंट करते नहीं है बेटा, बस सोफा पे बैठ के, बेड पे लेटे लेटे वीडियो देखते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका बेटा, ऐसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, उसका नेबरिंग कौन है बेटा, ये एक ही अल्फा है, और उस अल्फा के ऊपर एच है बेटा, तो कितने अल्फा एच हो गए बेटा, इसका 1 अल्फा एच है, इसका 1 अल्फा एच है। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, ये एक अल्कीन है, अल्कीन का नेबरिंग कौन है बेटा, इसका नेबरिंग ये होगा, इसका नेबरिंग ये होगा, इसका नेबरिंग ये होगा, इसका नेबरिंग ये होगा, 4 अल्फा कार्बन मिले, उन 4 अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है वो कैलकुलेट करिए बेटा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, तो 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा एच, 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के नेबरिंग आप चेक करिए, इसका नेबरिंग ये अल्फा, इसका नेबरिंग ये भी अल्फा, इसका नेबरिंग ये भी अल्फा, 3 अल्फा मिले बेटा, इन तीनों अल्फा पे कितने कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 1, तो 1 + 1 2 + 3 5 अल्फा एच यहाँ पर होंगे। यहाँ आ जाइए बेटा, कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, ये उसका अल्फा, ये इसका अल्फा और ये इसका अल्फा, 3 अल्फा मिले बेटा, इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस वाले अल्फा पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इस वाले अल्फा पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए बेटा 3 + 2 5 अल्फा एच आर देर, 3 + 2 5 अल्फा एच आर देर। बोलो बेटा समझ आ रहा है, बोलो बेटा समझ आ रहा है, यस, अगर समझ में आ रहा तो यस कमेंट करिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल आपके लिए, कुछ और एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, ये बताओ बेटा, इसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बताइए, चलिए कमेंट करिए बेटा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के नेबरिंग अल्फा दिखाओ, कार्बोकेटाइन के नेबरिंग अल्फा दिखाओ, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, तीनों sp3 कार्बन, इसलिए तीनों अल्फा है, तीनों के ऊपर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने 9 अल्फा एच हो गए, 9 अल्फा एच हो। यहाँ पर अल्फा एच बताओ कितने हो जाएंगे बेटा, कार्बोकेटाइन उसका अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इन तीनों के ऊपर 3 तीनों के ऊपर 3 तीनों के ऊपर 3 टोटल कितने अल्फा एच हो गए बेटा, 9 अल्फा एच। गलत बेटा, ये कतई गलत है, कार्बेनाइन में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्रेडिकल, फ्रेडिकल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ 3, यहाँ 2 3, यहाँ 2, 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा है। यहाँ पर ये अल्कीन है, अल्कीन का यहाँ पर कोई अल्फा नहीं है, यहाँ 2 अल्फा है, 3 + 3 6 अल्फा एच। बोलो बेटा अल्फा एच कैलकुलेट करना आ गया, अल्फा एच कैलकुलेट करना आ गया, अगर आ गया तो यस सर कमेंट करिए, यस सर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की तरफ, आगे बढ़ते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की तरफ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के कुछ रूल है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के कुछ रूल है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटा, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ अल्फा एच, इसीलिए तो अल्फा एच निकालना सीखना है बेटा, इसीलिए तो अल्फा एच निकालना सीखना है, अगर अल्फा एच निकालना सीख गए तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी बता पाओगे बेटा, और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है बेटा, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होती है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होती है वो ज़्यादा होती है सिमेट्रिकल से, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है बेटा सिमेट्रिकल से, और सिमेट्रिकल के अंदर
ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है सीस से, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है सीस से। और इन सबसे ऊपर अगर कॉन्जुगेटेड अल्किन है, अगर कॉन्जुगेटेड अल्किन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी बेटा, कॉन्जुगेटेड अल्किन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इन सब पॉइंट का कनेक्ट पूरा कॉम्बिनेशन इन सब क्वेश्चन में देखेंगे बेटा। यहाँ पर बताइए इस अल्किन के अल्फा एच कितने बेटा, 3+3 6 अल्फा एच। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बेटा, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताइए दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, पहला वाला। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर अल्फा एच कितने बेटा, 3+3 6 अल्फा एच, यहाँ पर 2 अल्फा एच। तो इसीलिए ये 6 अल्फा एच वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इन तीनों में, इन तीनों में यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 2+2+3 कितने हो जाएंगे, 2+2+3 4+3 7 अल्फा एच। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ 2+2 4 अल्फा एच, और यहाँ आ जाइए 2+1 दैट इज 3 अल्फा एच। तो ये हो जाएगा 7, 4 और 3। बताया बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा बेटा, 7 > 4 > 3। तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेंजीन है, बेंजीन क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, बिल्कुल है बेटा। ये पाई बॉन्ड जो है वो घूमता रहेगा बेटा, तो यहाँ भी अल्किन आ जाएगा और यहाँ अल्किन आएगा, तो ये दोनों उसके अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों उसके अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? यहाँ ये जो रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो अल्किन के अल्फा हो जाएंगे ये, बाकी कोई अल्फा नहीं है, बिकॉज बाकी सारे कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, बाकी सारे कार्बन क्या है बेटा, sp2। तो ये उसका अल्फा है और इसका अल्फा ये है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, 6 अल्फा एच, 3+3। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा एच। ज़्यादा स्टेबल कौन बता दो बेटा, यस वेरी गुड, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये होगा बेटा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये होगा। अगर आप अल्फा एच कैलकुलेट करोगे, इसका अल्फा कोई नहीं है, इसका अल्फा यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, लेकिन इसका अल्फा यहाँ है, तो 3 अल्फा एच होंगे। और यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो 3+2 5 अल्फा एच होगे, लेकिन गलत है बेटा, ये उससे नहीं होगा। ये कैसे होगा बेटा, ये जो है इसमें रेजोनेंस है बेटा, ये जो है वो इसमें क्या है बेटा, रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड अल्किन है बेटा। इसे कॉन्जुगेटेड अल्किन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड अल्किन जिसमें कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस हो, उसे कॉन्जुगेटेड अल्किन कहते हैं बेटा। और ये जो है इसे आइसोलेटेड डाइन कहते हैं, डाइन वर्ड विल बी बेटर अल्किन के बदले, डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन एंड आइसोलेटेड डाइन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब क्या, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड डाइन, डाइन मतलब क्या, डायन नहीं रे, डाइन, डाइन, डाइन मतलब दो अल्किन है, कॉन्जुगेटेड अल्किन है, उसके अंदर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसे आइसोलेटेड कहते हैं। दो पाई बॉन्ड सेपरेटेड है बेटा, दो पाई बॉन्ड क्या है, सेपरेटेड, इसीलिए इसे आइसोलेटेड डाइन कहा जाता है। इन दोनों में अगर मैं बात करूँ बेटा, इसके अल्फा एच कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली इसके ज़्यादा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन पहले वाले में ज़्यादा है बेटा, इसीलिए वो कम स्टेबल होगा। छोटा सा मॉलिक्यूल है, ट्राइंगल मॉलिक्यूल है, उसमें रिंग स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा बेटा, इसलिए वो कम स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, आगे क्या है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इट इज़ दी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड on reaction of alkene or alkyne, or I can say it is the amount of an amount of heat or energy released on catalytic hydrogenation ऑफ अल्किन और अल्काइन, अल्किन और अल्काइन के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है बेटा, उसे क्या कहा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या कहा जाता है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो एग्जांपल लेके समझाता हूँ बेटा, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये एक अल्किन है बेटा, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब निकल जैसी निकल या प्लेटिनम जैसी कैटालिस्ट यूज़ करके हाइड्रोजन गैस अगर पास करो बेटा, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है
उसमें से दो हाइड्रोजन एटम जो है दोनों कार्बन के ऊपर अटैच हो जाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बेटा, नए बॉन्ड फॉर्म हुए, इसलिए बेटा यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। इसका डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है बेटा, इसका एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है बेटा। इसी हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है बेटा। अब मेरे को बताओ, मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है और मेरे पास अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मुझे 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके प्रोडक्ट क्या मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगे बेटा। और इसका डेल्टा एच वन बोलूँ, इसका डेल्टा एच टू बोलूँ, ये भी तो नेगेटिव ही होगा। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा एच वन बड़ा होगा या डेल्टा एच टू बड़ा होगा, मुझे बताइए बेटा, कमेंट करिए। डेल्टा एच वन बड़ा होगा या डेल्टा एच टू बड़ा होगा, कमेंट करिए बेटा। यहाँ पर बेटा कितने बॉन्ड बन रहे थे, 2 बॉन्ड बने। यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने। ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हुई होगी, 4 बॉन्ड वाले में। इसीलिए बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जिसको मैं एच ओ एच बोलूँगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, एच ओ एच, इसको मैं अल्किन ए बोलूँगा, इसको मैं अल्किन बी बोलूँगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बी इज मोर देन ए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज ऑफ बी इज मोर देन ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसके अंदर ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बस सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ से हमें रूल क्या मिल रहा है बेटा, दो रूल मिलेंगे बेटा पहला रूल, ये दो रूल का माइंड में रखना है बेटा। रूल नंबर वन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सेकंड बेटा, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम देन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, खत्म। अगर अल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगा बेटा, बस ये दो रूल का यूज़ करना है बेटा। इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, तो पहला रूल तो वेस्ट। सेकेंड रूल पे चले जाओ बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा बेटा। स्टेबिलिटी ए और बी में किसकी ज़्यादा होगी, कमेंट करिए, अभी सिखाया। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम काउंट करेंगे तो 3+3+3 9 अल्फा H होंगे, कितने अल्फा H होंगे बेटा, 9 अल्फा H। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ, ये इसके अल्फा है 3 इसलिए 9, इसका अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, ये एक ही अल्फा एच है इसका, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 1 अल्फा H होंगे बेटा। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ए की ज़्यादा होगी बी से, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बी का ज़्यादा होगा ए से, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बी का ज़्यादा होगा ए से। तो बेटा ये होगा इसका ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। बोलो समझ में आया क्या। यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने सेम है बेटा, दोनों में एक एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा H है, यहाँ पर अल्फा एच कितने, 3+2+2, यहाँ 4 है, 2+2, यहाँ पर 3+2+2, 4+3, 7 अल्फा H है, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा तो कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा बेटा, तो ये होगा इसका आंसर। इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें 2 है, इसमें 1 है, डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा बेटा। यहाँ आ जाइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में क्या है, सेम है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें बेटा, ये कॉन्जुगेटेड अल्किन है, क्या है ये, कॉन्जुगेटेड अल्किन है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक अनकॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसलिए आइसोलेटेड है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला स्टेबल ज़्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा इसकी, बहुत शानदार क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, इसमें भी वन, तो स्टेबिलिटी के ऊपर से जाना पड़ेगा बेटा। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है, 6 अल्फा एच, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है, 6 अल्फा एच, इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है, 6 अल्फा एच। तो बेटा ये तो स्टेबिलिटी भी सिमिलर नहीं होगी। मैंने आपको बताया था एल्किन के अंदर इफ सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, तो दो चीजें देखनी है, पहला अनसिमेट्रिकल एल्किन इज मोर स्टेबल देन सिमेट्रिकल एल्किन, और इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है बेटा, ऐसी एल्कीन जिसमें दोनों साइड कार्बन चेन कैसे नंबर की हो, सेम नंबर की हो, उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और ऐसी एल्कीन जिसमें दोनों साइड एल्कीन के दोनों साइड कार्बन चेन सेम ना हो, उसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं बेटा। इन तीनों में सिमेट्रिकल कौन है, अनसिमेट्रिकल कौन है, वेरी गुड बेटा, ये जो है वो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बिकॉज कार्बन की इस तरफ दो दो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन की इस तरफ कुछ भी नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल है। इसकी अगर मैं बात करूं, कार्बन की इस तरफ मिथाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड की इस तरफ भी मिथाइल है, इसमें कार्बन के डबल बॉन्ड की इस तरफ मिथाइल है, डबल बॉन्ड की इस तरफ भी मिथाइल है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इन सब में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ये जो अनसिमेट्रिकल वाला है उसकी ज़्यादा होगी, और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्किन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ये रहा बेटा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बेटा वो रिवर्स हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्किन में तो होता ही होता है, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन में भी होता है बेटा, कैसे होता है, ये रहा अभी तो बताया मैंने आपको, ये रहा फ्री रेडिकल, ये कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 अल्फा एच है, उसके सामने इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें कितने अल्फा एच है बेटा, 6 अल्फा एच है, उसके सामने अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, इसकी कितने अल्फा एच है बेटा, 2 अल्फा एच है, और इसके सामने अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, तो नो अल्फा एच, तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, यही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेटा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी, इसमें 0 अल्फा है, इसीलिए बेटा अभी तक हमने इंडक्टिव से ये सीखा था, इंडक्टिव के सीखा था कि इसमें 3 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई, इसमें 1 ही प्लस आई, इसमें कोई प्लस आई नहीं है, इसलिए ये टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लेकिन इसका मेन रीज़न है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैं अगर स्ट्रेंथ ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की बात करूँ, तो रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस में जो है वो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली होता है, इसलिए रेजोनेंस में ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होती है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा टफ है बेटा, इसलिए इसमें डीलोकलाइजेशन की टेंडेंसी रेजोनेंस से थोड़ी कम है, लेकिन इंडक्टिव में तो डीलोकलाइजेशन नहीं होता, वहाँ तो पार्शियल शिफ्टिंग होती है विद इन द बॉन्ड, वहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए बेटा रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। बोलो समझ में आ रहा है, फ्री रेडिकल में भी सेम टू सेम रीज़न, नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है बेटा, अब हम बात करें बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की, चलो हाँ एक टॉपिक रह गया,
एक टॉपिक रह गया, यस हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे वर्क करता है। मेरे पास है बेटा मिथाइल, मेरे पास है मिथाइल, बेंजीन के ऊपर मिथाइल जिसका नाम है टॉलविन, जिसका नाम क्या है बेटा टॉलविन। इसको मैं इस तरह लिखूं बेटा, इसको मैं इस तरह लिखूं, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये अल्किन है और ये उसका अल्फा कार्बन है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये तो अल्किन है और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कुछ इस तरह बेटा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन हवा में लटकेगा, फिर इसका क्या होगा बेटा रेजोनेंस होगा, ये तो क्या है फिर रेजोनेंस है, ये तो मैंने आपको सिखाया है, ये तो क्या है रेजोनेंस है। फिर ये लास्ट में ये वापस बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा ऐसा मिलता जुलता कुछ देखा है कहीं पर? यस सर देखा है, यस सर देखा है, कहाँ देखा है? रेजोनेंस में देखा था सर, मेसोमेरिक इफेक्ट में। यस ये मेसोमेरिक इफेक्ट के जैसा ही इफेक्ट है, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, देखो ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो मिथाइल ग्रुप भी जो है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसको हम मैंने आपको बताया था बेटा मिथाइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, प्लस एम जैसा काम करता है, लेकिन ये प्लस एम नहीं शो करता, ये शो करता है बेटा प्लस एच। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, समझ आ रहा है बेटा। लेकिन काम सेम टू सेम है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना, किसका अल्काइल ग्रुप का, इसीलिए बेटा अल्काइल ग्रुप में भी क्या होता है रेजोनेंस जो है होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ाता है बेटा। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस एच शो करता है, मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस एच शो करता है, इथाइल ग्रुप जो है वो भी प्लस एच शो करता है, फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो भी प्लस एच शो करता है, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो प्लस एच शो नहीं कर पाता, बिकॉज प्लस एच शो करने, प्लस एच शो करने के लिए मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर तीन अल्फा एच है, यहाँ पर दो अल्फा एच है, यहाँ पर एक अल्फा एच है, यहाँ पर एक भी अल्फा एच नहीं है, इसीलिए इसमें प्लस एच नहीं होगा, इसमें क्या होगा बेटा प्लस आई होगा। इसके ऊपर से मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक शानदार सवाल दिखाता हूँ बेटा, इसकी स्टेबिलिटी आपको प्रेडिक्ट करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसकी स्टेबिलिटी मेरे को प्रेडिक्ट करनी है, ध्यान से देखिए बेटा। यस यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन मतलब गरीब बेटा, कार्बोकेटाइन मतलब क्या गरीब, गरीब को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है, गरीब को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है, इसीलिए बेटा ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है बेटा प्लस एच शो करता है, क्योंकि इसके पास तीन तीन अल्फा एच है, तो ये प्लस एच के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा पैरा पोजिशन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये गरीब को स्टेबिलाइज करेगा। यहाँ पर ये जो है वो इसके पास भी दो अल्फा एच है बेटा, अल्फा या कार्बन कौन है बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये थोड़ी अल्फा कार्बन है, ये थोड़ी ना अल्फा कार्बन है, तो इसीलिए बेटा इसके टू अल्फा एच है, तो ये टू अल्फा एच के थ्रू यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ भी प्लस एच होगा, यहाँ पर तीन बार प्लस एच होगा, प्लस 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 एच, यहाँ पर दो बार प्लस एच होगा, क्योंकि दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए एक बार प्लस एच शो करेगा, यहाँ पर एक भी अल्फा एच है तो नो प्लस एच, नो प्लस एच बेटा, नो प्लस एच, इट विल शो ओनली प्लस आई, इट विल शो ओनली प्लस आई, इट विल शो ओनली प्लस आई। अगर बेटा आप इसका इंडक्टिव देखो, अगर बेटा आप इसका इंडक्टिव देखो तो इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, अगर इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में अगर ये आंसर लिखने गए बेटा, तो इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा,
तो आंसर गलत हो जाएगा। इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग है, इसलिए बेटा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? इसमें प्लस एच, इसमें थोड़ा कम प्लस एच, इसमें थोड़ा उससे भी कम प्लस एच, लेकिन इसमें तो कोई प्लस एच नहीं है बेटा, इसमें कोई प्लस एच नहीं है, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर ये क्वेश्चन करने जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा ध्यान से देखिए, अगर आप ये कार्बोकैटायन देखते, अगर आप ये कार्बोकैटायन देखते तो ये होता टर्शियरी सबसे ज्यादा, टर्शियरी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका प्लस आई भी ज्यादा है और प्लस एच भी ज्यादा है। लेकिन 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 यहाँ पर तो फंडामेंटल पूरा अलग है बेटा, यहाँ पर तो पूरा पूरा फंडामेंटल ही अलग है। यहाँ पर तो अल्फा कार्बन चाहिए, क्या चाहिए? अल्फा कार्बन चाहिए। यस, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन की तरह काम कर रहा है, ये पॉइंट इन सब में, इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये तीनों अल्फा कार्बन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा सवाल था बेटा, बहुत अच्छा सवाल था। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल स्टेबिलिटी के हैं, जनरल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है बेटा, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें आपका रेजोनेंस भी लग जाएगा, इंडक्टिव भी लग जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। ये ओ एच ग्रुप है, जिसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। ओ एच ग्रुप के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। OH ग्रुप के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। ठीक है, तो OH ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है रेजोनेंस से, रेजोनेंस से। लेकिन रेजोनेंस जो है वो बेटा, वो सिर्फ काम करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। वो कहाँ काम करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। इसलिए बेटा ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो तो करेगा, लेकिन सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर शो करेगा बेटा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर शो करेगा। मेटा पोजिशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं होती, मेटा पोजिशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं होती बेटा। इसलिए सिर्फ इन दोनों में प्लस एम होगा, इसमें प्लस एम नहीं होगा, बिकॉज ये मेटा पोजिशन पर है। बिकॉज कहाँ पर है बेटा? मेटा पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर लोन पेयर वाला एटम है, प्लस एम शो करता है, लेकिन सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर, मेटा पर वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा बेटा। इसलिए प्लस एम यहां, प्लस एम यहां। ये क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब गरीब, तो उसको तो प्लस एम मिल गया, मतलब बहुत अच्छा काम हो गया उसका, उसको प्लस एम मिल गया मतलब उसका बहुत अच्छे से काम हो गया बेटा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं प्लस एम दोनों में है, तो दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग कौन है बेटा? तो दोनों सेम ही, प्लस एम वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑल्सो वर्क्स इन सेम एक्सटेंट एट ऑर्थो एंड पैरा। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे सेम एक्सटेंट से काम करती है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडक्टिव की तरह डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है बेटा। ध्यान रखिए, वो इंडक्टिव की तरह डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, वो जो है डिस्टेंस बढ़ने से कम नहीं होती, डिस्टेंस बढ़ने से कम नहीं होती। ठीक है बेटा, तो यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ पर ये जो है वो डिस्टेंस बढ़ने से कम नहीं होती, तो मेसोमेरिक तो सेम काम करता है। तो बेटा अब नेक्स्ट इफेक्ट के पास जाना पड़ेगा। क्या OH का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? नहीं होता है। क्या OH का इंडक्टिव होता है? यस सर, होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट OH का क्या होता है बेटा? माइनस आई होता है। क्या होता है? माइनस आई। इस OH का भी क्या होगा बेटा? माइनस आई। अब माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो OH का माइनस आई बेटा कहाँ ज़्यादा लगेगा? वेरी गुड बेटा, इस वाले में ज़्यादा लगेगा। मेसोमेरिक दोनों में है, मेसोमेरिक दोनों में है, लेकिन माइनस आई जो है इसमें ज़्यादा है, तो माइनस आई ज़्यादा है तो वो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो हम उसके पास जाएंगे जिसमें माइनस आई कम हो, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा और लास्ट में ये होगा बेटा। बिकॉज इसके पास प्लस एम नहीं है, इसके पास सिर्फ माइनस आई है, इसके पास प्लस एम नहीं है, इसके पास सिर्फ माइनस आई है, इन दोनों के पास प्लस एम था इसलिए वो दोनों जीत गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी अच्छा सवाल है। ये क्या है? कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब अमीर। अमीर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी है बेटा। कौन खींच रहा है? माइनस एम से ये खींच रहा है, माइनस आई से ये खींच रहा है। ये तो प्लस एच देता है बेटा, और ये जो है वो प्लस एम देगा। प्लस एम वाला तो कतई नहीं चलेगा, प्लस एम वाला तो कतई
पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो अमीर है और उसको तुम प्लस एम से बर्बर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो, बर्बर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो, तो वो तो गलत बात है बेटा, वो तो गलत बात है। तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, इन दोनों में से ज़्यादा माइनस इफेक्ट किसका है बेटा, मेसोमेरिक इज मोर डोमिनेटिंग, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये। अब ये दोनों डोनेट कर रहे हैं लेकिन ये कम डोनेट कर रहा है बिकॉज ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा बेटा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये सब क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना ये सब नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। यहाँ पर ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पर ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये कार्बो एनायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। ये कार्बन आयन है वो भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एंटी एरोमेटिक बन रहा है, और एंटी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स डी स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा डी स्टेबिलिटी, इसीलिए ये तो सबसे कम स्टेबल होगा बेटा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ये एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज सिस्टम है बेटा, ये एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज सिस्टम है, और यहाँ पर ये भी एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज सिस्टम है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेटा, इसलिए सबसे ज़्यादा, एंड एंटी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा डी स्टेबिलिटी, इसलिए सबसे कम स्टेबल। तो ये 1 और ये 4 मिल गया बेटा। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, इन दोनों में से ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा बेटा? इस वाले में, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। इसके आप रेजोनिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सिर्फ दो ही होंगे, एक ये और इसके अलावा एक नया फॉर्म होगा, बस दो ही होंगे बेटा, इसलिए इसमें मोर रेजोनेंस है, इसीलिए इसमें मोर रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस है, इसमें लेस रेजोनेंस, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा। 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 और 3 के बाद ये 4, ये हो गया बेटा जनरल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसके और क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ले आऊंगा बेटा, नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हम खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और थैंक यू वेरी मच।